हेलो चिल्ड्रेन वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास दिस इज जोया अख्तर योर साइंस टीचर एंड चिल्ड्रेन आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो विद द सेम टॉपिक दैट वाज आवर प्रीवियस चैप्टर नंबर थ्री ओके एंड इन वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर थ्री अडपटेशन इन एनिमल्स हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर थ्री डन किया था बेटा आज उसकी एक्सरसाइज का टर्न है तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं एंड यू फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन या टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस एम सी क्यू इज हाइबरनेशन इज हाइबरनेशन क्या होता है तो हाइबरनेशन आपको पहले से पता बेटा विंटर स्लीप होता है एनिमल्स के द्वारा जब विंटर आती है तो वो लंबे टाइम के लिए पूरे विंटर भर के लिए एक होल में चले जाते हैं ठीक है स्लीपिंग के लिए तो वो कहलाता है हाइबरनेशन फिर देखिए सेकेंड मूवमेंट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स जब ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स क्या करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं तो वो क्या कहलाता कहला है बेटा माइग्रेशन क्या कहलाता है माइग्रेशन सो यू ऑल हैव टू टेक द आंसर नंबर सी फिर थर्ड क्वेश्चन है एंड मंकीज आर स्क्वारल और मंकी, मंकी किसके एग्जाम्पल हैं तो आपको पता होगा कि ये अपना मोस्ट टाइम कहां स्पेंड करते हैं ट्रीज पर और ट्रीज पे रहने वाले जानवरों को हम कहते हैं एरबोरियल तो आपको किसको टिक करना है डी ऑप्शन को चलिए अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फर्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर नोन एज ऐसे जानवर जो दोनों खाते हैं प्लांट को भी और एनिमल्स को भी उनको कहते हैं हम ओमनी ओ एम एन आई वी ओ आर ई एस ओमनीवोरस फिर है सेकेंड क्वेश्चन एनिमल्स दैट लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड कह रहा है ऐसे जानवर जो दोनों जगह रह सकते हैं पानी में भी और जमीन पर भी तो उनको क्या कहते हैं एम्फीबियंस ए एम पी एच आई बी आई ए एन एस एम्फीबियंस फिर कह रहा है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उनको कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स और वो ब्रीथ करते हैं किससे गिल्स और लंग्स से ठीक है हालाँकि गिल्स से करते हैं लेकिन कुछ और एक्टिविटिक होते हैं जो ऊपर आके सांस लेते हैं तो वो भी उसमें शामिल हैं ठीक है इसलिए गिल्स और लंग्स दोनों लिखेगा फिर है अ लॉन्ग विंटर स्लीप जब लॉन्ग विंटर स्लीप होता है तो क्या कहते हैं बेटा अभी आपने लिखा था ऊपर हाइबरनेशन फिर है लंग ब्रीदिंग इज़ यूजली सीन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो सांस लंग्स से लेते हैं वो ज़्यादातर कौन से जानवर होते हैं जो एनिमल्स कहाँ के होते हैं लैंड वाले तो उसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं फिर है स्नेक्स क्रॉल विद द हेल्प ऑफ ऑन इट्स बॉडी स्नेक्स जो होते हैं वो किसकी हेल्प से चलते हैं तो उनकी बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं उसकी हेल्प से चलते हैं एनिमल्स हैविंग थिक फर विच इज वाइट इन कलर आर सीन इन पोलर रीजन्स ऐसे एनिमल्स जिनके पास बड़े बड़े मोटे मोटे फर होते हैं और वाइट कलर के होते हैं वो लगभग कहाँ पाए जाते हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं ठंडे वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पाए जाते हैं फिर कह रहा है वेब्ड फीट हेल्प डक्स टू स्विम इन वाटर वेब्ड फीट जो है वो डक्स की हेल्प करता है पानी में तैरने के लिए नाइन्थ है मंकीज एंड स्क्वार विच लिव मोस्ट ऑफ टाइम ऑन ट्रीज आर नोन एज मंकी और स्क्वारल जो अपना ज्यादातर वक्त कहाँ गुजारते हैं बेटा ट्रीज पर उनको क्या कहते हैं आरबोरियल एनिमल्स कहते हैं चलिए ये तो रहा आपका फिल इन द ब्लैंक्स तक का क्वेश्चन अब कह रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दे रहा है वो कंप्लीट करना है तो आप ऊपर पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं वाई डू सम एनिमल्स गो इन फॉर विंटर स्लीप क्यों कुछ जानवर विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं तो आप आंसर लिखोगे बेटा आंसर नंबर फर्स्ट डाल के इन विंटर फूड इज नॉट अवेलेबल फॉर सम एनिमल्स कुछ जानवरों के लिए विंटर में फूड अवेलेबल नहीं होता है इसीलिए वो क्या करते हैं विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था वाई डू द ईगल्स एंड अदर बर्ड्स ऑफ प्रे हैव एंड कर्व बीक्स कुछ ईगल्स और ब, 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 कुछ और बर्ड्स ऑफ जो प्रे हैं जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं वो जो है उनके पास स्ट्रॉन्ग और कर्व क्यों होता है तो आप लिखोगे आंसर कि ईगल्स एंड एंड अदर बर्ड्स ऑफ प्रे हैव हाँ कर्व बीक्स तो टू द फ्लैश ताकि वो फ्लैश को मांस को टीयर कर सके चीर सके इसलिए उनके पास ऐसे बीक्स होते हैं व्हाट मेक्स बर्ड्स फ्लाई तीसरा क्वेश्चन है कि क्या होता है बर्ड्स के पास जो उनकी हेल्प करता है उड़ने में तो आप लिखोगे बर्ड्स होलोबोन्स उनके पास wings होते हैं और बोट की तरह वाले बॉडी होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं फ्लाई करने में फिर चौथा क्वेश्चन है वाई डू समीमल्स माइग्रेट क्यों कुछ जानवर माइग्रेट करते हैं या माइग्रेशन करते हैं तो आप लिखोगे की सम एनिमल्स माइग्रेट सीजनली टू स्केप फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन ताकि वो जो उनके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं है उससे बच सकें इसलिए वो माइग्रेट करते हैं फिर बेटा देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वॉट मेक सम एनिमल्स मर्ज विथ सराउंडिंग्स क्या क्वालिटीज होती हैं कुछ जानवरों के पास कि वो सराउंडिंग में मिक्स हो जाते हैं तो कुछ क्वालिटीज़ क्या क्या हैं उसमें जैसे स्किन कलर ऑफ बॉडी उनकी बॉडी का स्किन कलर और उनका जो शेप है एनिमल्स का वो एनिमल्स को मर्ज कर देता है उनके सराउंडिंग में फिर कह रहा है वॉट डू यू नो अबाउट आर्कटिक टर्न एंड यूरोपियन ईल ये आर्कटिक टर्न और यूरोपियन ईल के बारे में आप क्या जानते हैं तो आप लिखेंगे आर्कटिक टर्न इज द ग्रेटेस्ट माइग्रेटरी बर्ड ये बहुत बड़ा माइग्रेटरी बर्ड है सबसे बड़ा माइग्रेटरी बर्ड है एवरी एवरी ईयर इट फ्लाइज थर्टी थाउजेंड किलोमीटर फ्रॉम आर्कटिक टू अंटार्कटिक रीजन एंड बैक हर साल ये अपने अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से तीस हज़ार किलोमीटर आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक और वापस फिर अंटार्कटिक से आर्कटिक सफ़र करते हैं और जो यूरोपियन ईल है स्विम ऑल द वे टू सारगासो सी ऑफ एटलांटिक ओशियन टू ले एग्स यूरोपियन ईल स्विम करता है पूरे सरगासो सी से लेकर सरगासो सी ऑफ एटलांटिक ओशियन से लेकर मतलब वहाँ तक सफ़र करता है अपने अंडों को देने के लिए द बेबी ईल्स देन टेक थ्री ईयर्स टू स्विम बैक टू यूरोपियन रिवर्स और उस यूरोपियन रिवर्स को पार करने में या तय करने में जो बेबी ईल होते हैं तीन साल लेते हैं ठीक है तो ये आपने इसके क्वेश्चन आंसर लिख दिए अब लास्ट में एक छठा क्वेश्चन है जो कह रहा है कि डायग्राम बनाना है आपको zebra का और किसी एक बर्ड का और बताना है कि उनके पास क्या क्वालिटी होती है डिस्टिंगटिव फीचर्स ठीक है तो आप ये जेब्रा का फिगर बना सकते हैं और लिख सकते हैं द जेब्रा हैव स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडीज हेल्प देम टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स जेब्रा के पास स्ट्राइप्स होते हैं उनकी बॉडी में धारियाँ होती हैं जो हेल्प करता है उनकी बॉडी सॉरी uh, उनके सराउंडिंग में मर्ज होने के लिए फिर एक आउल बर्ड आप इस तरह से बना दीजिए इजी और वहां पर लिख सकते हैं दैट आउल्स हैव ब्राउन कलर बॉडी इनका ब्राउन कलर का बॉडी होता है जो मदद करता है ट्री ट्रंक की कलर में मिक्स हो जाने में तो इस हिसाब से इनको पहचान नहीं पाते हैं इनके एनिमीज ठीक है तो ये रहा आपका फुल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज पार्ट सो यू ऑल हैव टू डू दिस इन योर कॉपी फेयर कॉपी इन योर फेयर साइंस कॉपी एंड डू द टास्क वेरी केयरफुली हैव अ गुड डे बाय